हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 6 मनी। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वी राइट 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे एज फॉलोज। हम 10 रुपीज़ 50 पैसे को कैसे लिखेंगे? 10.50, मतलब कि जो पॉइंट से पहले की डिजिट है वो रुपीज़ में होती हैं और पैसे जो होते हैं वो पॉइंट के बाद में आते हैं। जो पॉइंट होता है वो दोनों यूनिट्स को सेपरेट कर देता है। 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे। टू कन्वर्ट रुपीज़ इंटू पैसे वी मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। जैसे कन्वर्ट 54 रुपीज़ 45 पैसे इंटू पैसे। अगर हम 54 रुपीज़ 45 पैसे को पैसे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 54 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 45, आंसर इज 5,445 पैसे। टू कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसे इंटू पैसे वी मल्टीप्लाई द रुपीज़ बाई 100 एंड देन एड द नंबर ऑफ पैसे टू द रिजल्ट। टू कन्वर्ट इंटू पैसे सिंपली रिमूव द सिंबल आर एंड द पॉइंट एंड राइट पैसे एट द एंड। अगर हमें रुपीज़ और पैसे को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं रुपीज़ का, और जो पैसे हैं उनको प्लस करके लिख देते हैं। और अगर हमें पैसे को कन्वर्ट करना है डायरेक्टली तो हम जो सिंबल होता है रुपीज़ का वो हटा देते हैं और पॉइंट हटा देते हैं और फिर लास्ट में जो है पैसे लिख देते हैं। टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ वी पुट अ पॉइंट आफ्टर टू डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड द सिंबल रुपी बिफोर द नंबर। द नंबर टू द राइट ऑफ द पॉइंट इंडिकेट पैसे एंड द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट इंडिकेट रुपीज़। अब जैसा कि हम जानते हैं पैसे जो होते हैं हमेशा 2 डिजिट्स में लिखे जाते हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है तो लास्ट से 2 डिजिट्स छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं और लास्ट में पैसे लिख देते हैं, तो हमारा हो जाता है पैसे में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। एडिशन, रिया वेंट ग्रॉसरी शॉपिंग एंड बॉट शुगर ब्रेड एंड राइस। शी शोड द बिल टू हर मदर। हर बिल रीड, हाउ मच मनी हैज शी स्पेंट। वी नीड टू अमाउंट द एट द अमाउंट ऑफ मनी शी स्पेंट ऑन बाइंग शुगर ब्रेड एंड राइस। अब जो रिया थी वो ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई थी, वहाँ पे उसने शुगर ली, ब्रेड ली और राइस ली, और फिर उन सब की प्राइस ये हैं। अब बताओ कि उसने टोटल कितने खर्च करे। अब टोटल अगर हमें निकालना तो सबको प्लस करना पड़ेगा। हम जब हम सबको प्लस करेंगे, एक के नीचे एक डिजिट्स लिखेंगे, जैसे पैसे के नीचे पैसे, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, उन सबको प्लस करेंगे तो आंसर होगा हमारा 355 रुपीज़ एंड 62 पैसे। अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं कैसे करेंगे? रिया हैड ए 500 रुपी नोट इन द पर्स। When she went shopping, she spent 355.62 on groceries. How much money she left in her purse? अब जो रिया थी उसके पास 500 रुपी का नोट था पर्स में। जब वो ग्रॉसरी लेने गई तो उसने 355 रुपीस और 62 पैसे वहाँ खर्च कर दिए, तो अब बताओ उसके पर्स में कितने रुपए बचे। अगर हमें ये निकालना है तो हम 500 में से 355.62 को माइनस करेंगे, तो हम पहले एक के नीचे एक डिजिट्स लिखेंगे, जैसे पैसे के नीचे पैसे, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, फिर जब उनको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 144 रुपीज़ एंड 38 पैसे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। मल्टीप्लिकेशन, समांथा गोज टू अ बुक फेयर। शी वांट्स टू बाय द सेम बुक फॉर 3 of her friends। इफ वन बुक कॉस्ट 226.32, हाउ मच डज शी हैव टू पे फॉर 3 बुक्स। अब जो समांथा है वो बुक फेयर में गई है, उसी एक ही बुक अपने तीनों फ्रेंड्स को देना है। एक बुक की प्राइस कितनी है? 226.32। अब अगर वो 3 फ्रेंड्स को देगी तो हम पहले तीनों को प्लस करेंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं अगर हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके निकालना चाहें तो जो 226.32 है उसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा। डिवीजन कैसे करते हैं? एट द नेक्स्ट स्टॉल शी सॉ दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 of her favorite books ईच कॉस्टिंग द सेम वॉज 740.313। शी वॉन्टेड टू बाय ओनली वन। वॉट वॉज द कॉस्ट ऑफ वन बुक? टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक वी शो डिवाइड द टोटल कॉस्ट बाय 3। अब वो अगले स्टॉल पर जाती है, वहाँ पर वो देखती है कि उसकी जो 3 favorite books हैं उसमें से एक हर एक की प्राइस जो है 740 रुपीज़ एंड 13 पैसे है, उसको कोई एक बुक लेनी है, तब वो वन बुक की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो हमारा जो होगा 740.13 को हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा डिवीजन करके ही आ जाएगा।
बाय।